राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स है मैच नंबर 9 इस सीजन का। दिल्ली खोजते हुए सीजन की पहली जीत, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं टू लुक अहेड टू मैच नंबर 9। सर गुड इवनिंग। दिल्ली के लिए एक खुशखबरी तो है पहले हार के बाद कि आनरिक नौकिया जुड़ चुके हैं वापस क्वाड के साथ। यू वुड इमेजिन कि ऑटोमेटिक इन टू द टीम, पर किसकी जगह? एक तो ऑब्वियसली ईशांत शर्मा इंजर्ड है, तो ऑब्वियसली वो एक जगह तो खाली हो जाती है। बट फॉरेन प्लेयर में शायद आपको सोचना होगा। पिछले मैच में हमने देखा था शे होप भी खेले थे और ट्रिस्टन स्टब्स भी खेले थे। यूड इमेजिन वार्नर और मार्श तो खेलेंगे, तो होप और स्टब्स में से आप किसको हटाएंगे? मेरे ख्याल से होप ने भी इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया है। ट्रिस्टन स्टब्स शायद हो सकता है कि वो जगह बनाए, या फिर कोई आप ऊपर कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले आए और स्टब्स को रखें आप, क्योंकि एज अ फिनिशर तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट आनरिक नौकिया का खेलना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक लग रही है, तो वो एक एक्स्ट्रा पेस, वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आई डोंट नो कितने मैच फिट हैं, वो एक अगेन एक क्वेश्चन मार्क होगा। बट आनरिक नौकिया मुझे लगता है कि उस टीम को आनरिक नौकिया की मे बी शाय होप और क्रिस्टियन स्टब्स से ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने पिछले सीजन में देखा है, वैसे आप 2-3 सीजन से नौकिया उतने रेगुलरली नहीं खेले हैं बिकॉज ऑफ फिटनेस, पर वो लिंचपिन तो उन्हें बनना पड़ेगा इस अटैक का। कितना प्रेशर होगा उन पे? आप खिलाड़ी के तौर पर लगभग एक साल से आपने बहुत कम क्रिकेट खेला है, हाल ही में कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेले साउथ अफ्रीका में, पर इस लेवल पे वो काफ़ी टाइम बाद खेलने वाले हैं। लॉट्स ऑफ प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर तो होगा ही, और उसके अलावा आप पहला मैच हार चुके हैं और IPL का अपना एक अलग प्रेशर होता है विदाउट अ डाउट, और आपको स्ट्रेट अवे आके डिलीवर करना है। ये थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फ्रेंचाइज भी है, अगर हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस की भी बात करें तो विदाउट अ डाउट थोड़ा प्रेशर तो होगा। IPL इसका एक अपना वो है कि अच्छे अच्छों को यहाँ पे प्रेशर फील होता है, और ख़ास करके उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, तब तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा रस्टीनेस होती है, थोड़ा सा वो नर्व्स होती है। बट आई एम श्योर इतना जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो काम आएगा। बैटिंग के ऑप्शंस पे अगर क्विकली एक नज़र डालें, मान लेते हैं अगर शायद होप ट्रिस्टन स्टब्स में से जो एक जगह खाली बनती है, पिछले मैच में अभिषेक पुरेल बतौर इम्पैक्ट सब बैटिंग इनिंग्स में ही आ गए थे और उन्हीं के वजह से एक कॉन्टेस्ट बना दिल्ली के लिए। लेकिन एक और विकल्प है, स्पेशली अगर आप होप को हटाते हैं और आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए। पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया था पिछला मैच, क्या आपको लगता है पृथ्वी शॉ के लिए कोई चांस बनता है? जी हाँ, अगर आप शे होप को अगर नहीं खिलाना चाहते हो तो वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि आप पृथ्वी शॉ से ओपन कराएं, मिचेल मार्श नंबर 3 पर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जगह बन जाती है। बट क्या वो खिलाते हैं ये क्वेश्चन मार्क होगा। बट मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर है कि पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर ओपन करें और 3 मिचेल मार्श खेले, ताकि ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 5 पे बैटिंग करें। और अगर आपको चाहिए तो आप अभिषेक पोरेल को भी खिला सकते हो एज अ बैट्समैन, और आप फिर अगर आपकी पहली बैटिंग है तो, और आप फिर इम्पैक्ट सब एक बॉलर को रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर कॉम्बिनेशन है। राजस्थान रॉयल्स की ओर रुख किया जाए तो उनके लिए पहले मैच में संजू सैमसन के बल्ले से रन आए, गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट फीचर था वो था कि राजस्थान ने जिस तरह से अपना इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया, जो कि पिछले सीज़न काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए थे जिस मुद्दे पर। बैटिंग फर्स्ट तो वो टैक्टिक काफ़ी साउंड थी सर, कि 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज। ऑप्शन था रॉबिन पावल में इनकेस कोई बैटिंग में डामाडोल होता, लेकिन उन्होंने छठा बॉलर लाया इन आंद्रे बर्गर इन द चेज। अब अगर राजस्थान बॉलिंग फर्स्ट करें तो क्या मिक्स होनी चाहिए? मुझे लगता है कि वो शायद आंद्रे बर्गर को शायद नहीं खिलाएंगे, और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर से शायद उनको जाना होगा, क्योंकि अगर आप 6 बॉलर से जाते हैं तो आपकी बैटिंग बहुत लाइट हो जाती है। आप ऑलरेडी 6 बैट्समैन से खेल रहे हो, उसमें से अगर 5 हो जाते हैं तो और दिक्कत के चांसेस ज़्यादा हैं। एक फ्रेंचाइज का ये प्रॉब्लम है राजस्थान का कि इनके बॉलर कोई बैटिंग नहीं करते और बैट्समैन बॉलिंग नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो ऊपर के जो बैट्समैन हैं उन पे बड़ा प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि वो शायद 5 बॉलर से जाएंगे। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई तो मे भी शायद हो सकता है कि उस तरफ जाएं, ये विकल्प
शायद वो पहले बैटिंग में ही यूज़ कर सकते हैं सिक्स बॉलर का, बट पहले बॉलिंग करते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो छः बॉलर से अफोर्ड कर सकते हैं जाना। राजस्थान रॉयल्स की हम जब भी बात करते हैं मुझे अक्सर याद आता है जो हम इंडिया के T20 आए, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं टाइम आउट या मैच डे पर, कि बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी नहीं करते, गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी नहीं करते, पर एक विकल्प है रॉबिन पावल। मान लीजिए अगर वो छह बल्लेबाज खिलाना चाहते हैं, क्या आप कंसिडर करेंगे रॉबिन पावल ओवर शिमरन हेटमायर जस्ट बिकॉज रॉबिन पावल एटलीस्ट एक गेंदबाजी का विकल्प देते हैं आपको? वो एक पॉसिबल है ऑप्शन बिल्कुल, और मे बी आप रियान पराग की तरफ देख सकते हो क्योंकि वो डोमेस्टिक में तो डेफिनेटली बॉलिंग करते हैं, तो मे बी ये संजू के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज होगा कि उनसे एक या दो ओवर अगर वो निकाल सके। डोमेस्टिक में डेफिनेटली वो यू नो ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, IPL ऑब्वियसली एक थोड़ा डिफरेंट चैलेंज है, बट शायद आप सोचेंगे कि शिमरन हेटमायर क्योंकि टाइम एंड अगेन बहुत टाइम डिलीवर कर चुके हैं राजस्थान में, तो आप वो एक यू नो फेथ दिखाना चाहते हो शिमरन हेटमायर पे, इवन दो रॉबिन पावल यू नो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बड़े कीमत में उनको लेकर आए हैं वो यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं गेम टाइम तो देना होगा एट सम स्टेज, बट आई फील दिस इज़ द रीज़न कि वो शायद शिमरन हेटमायर पे पहले फेथ दिखाना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, संजू सैमसन, क्यूरियस केस ऑफ संजू सैमसन कि सीज़न का पहला मैच हो तो सैमसन के बल्ले से रन तय हैं लेकिन उसके बाद अक्सर वो रन गिर जाते हैं। इस सीज़न उन्होंने पहले मैच के बाद कहा है कि कुमार संगकारा के साथ बातचीत के बाद ये डिसाइड हुआ है कि उनका स्लाइटली डिफरेंट रोल रहेगा, वो थोड़े और कंट्रोल्ड वे में अप्रोच करना चाहेंगे अपनी पारियों को। क्या इसमें हमें एक झलक मिलती है ऑफ परहैप्स अ सीज़न जहाँ पे वो नॉर्मल पैटर्न को सैमसन बक कर पाएंगे? आई होप कि वो पैटर्न हम चेंज होते हुए देखें, क्योंकि वो जितनी मेच्योरिटी से लास्ट मैच में बैटिंग किए थे ये आप एक्सपेक्ट करते हो संजू सैमसन से थ्रू आउट द सीज़न, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यू नो चेंज हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न, शायद यू नो दूसरे बैट्समैन ऑब्वियसली अच्छा खेलते हैं और मे बी ही फील्स के यू नो उनको थोड़ा सा हार्ड जाना होता है, एंड समटाइम्स ही जस्ट यू नो इंस्टिंक्टिवली शॉट्स खेलते हैं विदाउट यू नो गिविंग अ टू मच थाट। वेरी जो पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने खेला वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया कि यू नो बहुत कंपोज इनिंग रही, पहले 10 ओवर में काफ़ी स्ट्राइक मिली थी, उसके बाद कुछ ओवर्स में उनको स्ट्राइक नहीं मिली, बट उन्होंने अपना कंपोजर लूज़ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यू नो सामने वाली टीम में जो जो बॉलर होता है, जो एक्स फैक्टर बॉलर होता है, मे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि संजू वॉन्ट्स टू टेक हिम ऑन, वो उन्होंने पिछले मैच में नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मेच्योरिटी मुझे लगता है कि उनको टाइम एंड अगेन जैसे जैसे सीजन जा रहा है ये दिखाना होगा फॉर हिज ओन यू नो बेटरमेंट, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये आप 10-12 साल IPL के करियर की बात कर रहे हैं, एक दो साल की बात नहीं है, तो यू नो बाय दिस टाइम ही शुड हैव मैच्योर्ड, बट आई होप फॉर द इंडियन टीम्स बेटरमेंट, फॉर हिज ओन बेटरमेंट, कि संजू सैमसन ये रोल कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीजन कर पाए। क्या देखेंगे हमें फिर एक न्यू इम्प्रूव्ड इवॉल्व संजू सैमसन? इंडिया और सैमसन के लिए तो ज़रूरी है ही, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी काफ़ी दारोमदार है सैमसन के कंधों पर, अगर वो बल्लेबाजी तगड़ी करते हैं और अगर राजस्थान एक बार फिर से जीतते हैं तो ऑलरेडी उनके हो जाएंगे 2 wins out of 2 इन जयपुर, जो कि 2023 से इन जयपुर ऑलरेडी 1 win आगे रहेगा।